अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम। मैं डॉक्टर अबरार इस बार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार हूँ। मैंने सेकुलर पार्टी से, ख़ास तौर से एनसीपी आदरणीय शरद पवार साहब की पार्टी से टिकट मांगा था, और दूसरा मैंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था। अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला, और आज की तारीख में मैं बहुत सारे लोगों से संपर्क में हूँ, और मुझे लगता मैं जल्दी अपना फ़ैसला ले लूँगा कि मुझे किस पार्टी से लड़ना है और मुझे आगे क्या करना है। तो इस बार काफ़ी चर्चाएं हो रही है कि फलां पार्टी का है, फलां पार्टी का है। आज की तारीख में मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन बहुत जल्दी मैं निर्णय ले लूँगा, और हमारे समर्थक जो है हम सब मिलकर फ़ैसला कर लेंगे और इस फैसले से आपको अवगत कराएँगे। सर, क्या आपका डोर टू डोर कैंपेनिंग जारी है? काफ़ी लोग आपसे जुड़ रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस है? जी हाँ, डोर टू डोर कैंपेन चालू है। रोज़ाना हम अपना ये काम करते हैं, रोज़ाना डोर टू डोर जाके हम लोगों को समझाते हैं, और काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, और एक पॉजिटिव रुख लोगों को देखने मिल रहा है हमको। लोगों का यही कहना है कि आपने अच्छा किया इस बार फॉर्म भरे, और इस बार हमें एक नया चेहरे की ज़रूरत है, क्योंकि एक नया चेहरा सामने आएगा, और अमरावती के लोगों ने मन बना लिया है कि अब बदलाव की ज़रूरत है। सभी लोग चाहते हैं कि बदलाव की ज़रूरत है, बदलाव की हवा ज़ोरों से बह रही है। मुझे लगता है ये बदलाव की हवा जो है ये मुझे कामयाब बनाएंगी। सर, आपका नारा है जो जगह जगह लगा हुआ है, ये आप दे रहे हैं कि अब की बार नया आमदा, क्या नारे से आपको ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या लोगों का ऑप्शन है? बस यही रिस्पांस यही है जो मैंने बताया कि नया आमदार, इसका मतलब ही है कि लोग जो है लोग नया चेहरा चाहते हैं, नया उम्मीदवार चाहते हैं, नया आमदार चाहते हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि हम एक नया चेहरे को सामने लाएंगे और उसको कामयाब बनाएंगे। तो बदलाव, हर चीज़ में बदलाव की ज़रूरत है, हर चीज़ समय समय बदलती रहती है। इसी बात को, बदलाव को लेकर अमरावती की जनता ने, अमरावती के उम्मीदवारों ने ये मन बनाया है कि इस बार किसी नए उम्मीदवार को वोट देंगे और उसे कामयाब बनाएंगे।